हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में परासरण दाब से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करवा दी थी, है ना, वहां पर मैंने आपको परासरण दाब और एक दो क्वेश्चन जो असंख्य गुणधर्म यानी आई को लेकर करवाया था उनको भी करवा दिया था। तो आज मुझे जो डिस्कशन करना है वो करना है वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक। तो सामने देखिए लिखा हुआ है कि वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ फैक्टर, वहां पर मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था और केवल एक बार बताई थी कि वांट हाफ फैक्टर या आई क्या होता है। तो वियोजन के बाद धनायन या ऋणायन की संख्या, वहां पर सवाल कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया था। आज हम डिस्कशन करेंगे वांट हाफ गुणांक का, है ना। इसके बारे में जितनी भी जानकारी है पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वांट हाफ गुणांक होता गया है। तो वांट हाफ गुणांक देखिए लिखा हुआ है कि जब किसी विद्युत अपघटनी विलेय को विलायक में घोला जाता है या विलायक में मिलाया जाता है तो वह विलयन में संयोजित या वियोजित, और वियोजित की हो जगह पर हो सकता है कि आयनित लिखा हुआ हो, आयनाइजेबल, ठीक, वियोजित हो जाता है जिसके कारण उसका अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित तो हो जाता है। अतः यहां से डिफिनेशन इसकी है, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक या प्रेक्षित, भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको किताब या सीरीज में, तो प्रायोगिक या प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक, और सैद्धांतिक को कहते हैं अपेक्षित, जो किताब में छपा हुआ मिलता है लिखा हुआ, तो अपेक्षित मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो डिफिनेशन पढ़ के शायद कुछ नहीं समझ में आया होगा क्योंकि ये किताबी भाषा यहाँ पर लिखी हुई है ना। अब चलिए इसमें होता क्या है, यहां पर मैं कुछ पॉइंट यहां से आपको समझाता हूं। जैसे आपको दिया गया है विद्युत अपघटनी विलय, अब ये विद्युत अपघटनी विलय क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो विद्युत अपघट्य वो होता है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर, है ना, जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पर वो आयनों में टूट जाता है, है ना। आयन का मतलब धनायन या ऋणायन, तो इनमें जो टूट जाएगा उसी को नाम दिया जाता है विद्युत अपघट्य, है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसको। तो यहां पर आपको दिया गया कि विद्युत अपघटनी विलय, यानी विलय कैसा होगा, विद्युत अपघटनी होगा, वाटर में डिजॉल्व करने पर वो आयनों में टूटेगा, ठीक। उसको कहां मिलाया है, तो विलायक के अंदर मिलाया, पानी के अंदर। विलायक कौन होता है, जल होता है, वाटर। तो विलय को जैसे ही विलायक के अंदर मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब जैसे ही विलायक के अंदर विलय को ऐड करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा, आपका विलयन बन जाएगा, यानी सॉल्यूशन। विलयन के दो घटक विलय और विलायक। तो विलय को विलायक के अंदर मिलाएंगे तो क्या कहता है, कहता है कि घोला जाता है या उसे मिलाया जाता है तो वह विलयन में संयोजित या वियोजित हो जाता है। जब आपने किसी विलय को मिलाया पानी के अंदर तो क्या होगा, या तो वो आयनों में टूट जाएगा और या तो वो आयनों में नहीं टूटेगा। आयनों में या तो संयोजित हो जाएगा, संयोजित का मतलब होता है जुड़ जाना, यहां पर लिखा हुआ कि संयोजित, संयोजित का मतलब है कि जुड़ जाना, ऐड हो जाना, ठीक। उसके बाद दूसरा भी शब्द लिखा हुआ है कि वियोजित, वियोजित का मतलब है टूट जाना यानी आयनों में अलग हो जाना। तो वियोजित हो जाता है जिसके कारण क्या होगा, उसका अणुसंख्य गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है। अणुसंख्य गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये चार होते हैं, कौन कौन से, वासदाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों आपके क्या होते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। तो यही तो रिलेशन है वांट हाफ फैक्टर का, वांट हाफ गुणांक के। मैंने आपको जो सवाल करवाया था उसमें तो मैंने आपको चलिए आई वाले भी करवा दिया था, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जिनमें क्या आपको मिलता था, विद्युत अनपघट्य, जो जल में मिलाने पर टूटता नहीं है, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, शक्कर, सुक्रोज, है ना, ये सब आपको दिया गया होता था सवाल में। तो यूरिया है, ग्लूकोज है, शक्कर है, फ्रक्टोज है, इस तरीके के आपको जो कंपाउंड दिए जाते थे वो क्या है, जल में आयनित नहीं होते थे, है ना, वो आयनों में नहीं टूटते। भाई ग्लूकोज में क्या होता, C6H12O6। अब इसमें क्या कोई आयनिक भाग थोड़ी ना है, आयनों में टूटने वाला, इसमें कोई आयन है भी नहीं कि जो पानी में घुल करके आपको प्लस माइनस प्रदान कर दे। तो ये क्या है, ग्लूकोज आपका विरुद्ध अनपघट्य है। वैसे यूरिया NH2CO, वो भी क्या है, विरुद्ध अनपघट्य है, वो भी आयनों में नहीं टूटता। सुक्रोज C12H22O11, वो भी आयनों में नहीं टूटता। तो ये सब क्या है, ये सब आपके विद्युत अनपघट्य हैं।
और यहां बात किसकी चल रही है, यहां बात चल रही है विद्युत अवघट की, जो आयनों में टूट जाता है। आयनों में कौन टूटता है, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड टूटता है कि नहीं टूटता है, तो NaCl कैसे टूटता है, NaCl आपका Na प्लस और Cl माइनस में ऐसे टूटता है, ये सोडियम क्लोराइड नमक ये आयनों में टूटता है, इसके लिए आपको 1.5 फैक्टर देखने को मिलेगा। आप जैसे छोटी सी बात एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, कोई हमें एक अणुसंघ गुणधर्म ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया वाष्पदाब, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन आपने पढ़ा था डेल्टा पी वाला, तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन 1 किलोग्राम पानी में, जब पानी कुछ भी था मान लिया, क्वांटिटी कुछ भी होगी उसकी, उस पानी में मैंने क्या किया कि 1 किलोग्राम चीनी को मिला दिया, है ना। अब चीनी को जैसे मिलाया तो उसके अंदर मान लिया कि जो वाष्पदाब है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि जिसमें वाष्पदाब की कमी जो आएगी या उसमें जो वाष्पदाब में परिवर्तन आएगा, मैंने मान लिया कि वहां पर जो वाष्पदाब है वो 1 ATM आया, 1 वायुमंडल आया, ठीक, 1 किलोग्राम चीनी मिलाने पर। तो चीनी तो आयनों में नहीं टूटती है, है ना, लेकिन अब उस चीनी की जगह मैंने दूसरी जगह एक वाटर ले लिया, जल ले लिया, और उसमें 1 किलोग्राम नमक मिला दिया। अब नमक क्या होगा, नमक डिजॉल्व करने पर आपका सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, यानी नमक का 1 मोल आप मिलाएंगे, देखे सामने, जैसे आप यहां पर देखें नमक का 1 मोल डिजॉल्व करेंगे NaCl का, तो ये आयनों में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, टूट करके ये बनता है। देखिए नमक के 1 अणु से 2 अणु बन गए, देखिए यहां पर Na है और यहां पर Na प्लस और Cl माइनस, यानी 1 से 2 बन रहे हैं, है ना। और अणु संख्या गुणधर्म अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जब मैंने चीनी मिलाया तो 1 किलोग्राम चीनी थी, पानी के अंदर वो 1 किलोग्राम ही रहेगी, उसकी संख्या में मात्रा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर क्या होगा, यदि आपने NaCl ले लिया, NaCl क्या है, विद्युत अवघट्य है, ये आयनों में टूटता है, प्लस और माइनस आयन बनाता है, जबकि चीनी यूरिया ग्लूकोज शक्कर ये आपके आयनों में नहीं टूटते हैं। तो यहां पर नमक का जैसे 1 मोल मिलाया तो यहां पर मुझे कितने आयन मिल गए, 1 सोडियम मिल गया, 1 क्लोराइड मिल गया Cl, तो 1 से 2 बनना है। तो वहीं पर क्या होगा कि जैसे आप 1 किलोग्राम नमक को मिलाएंगे पानी के अंदर, तो वहां वाष्पदाब जो आपने एक्सपेक्ट किया है 1 वायुमंडल, वो 1 वायुमंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा, वो उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1 मोल जब आपने मिलाया तो उसने कितने आयन दे दिए आपको, 2। आपने 2 मोल NaCl मिलाया तो आपको कितने आयन दे देगा, 4। आपने 4 मिलाया तो कितने दे देगा, 8। यानी 1 से 2 बन रहा है ना, तो डबल होता जा रहा। तो अगर डबल होता जा रहा है तब क्या होगा, तब वहां पर आपने जो सोचा है अणुसंख्य गुणधर्म वो आपको नहीं मिलेगा। मान लिया जैसे छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लिया किसी बच्चे को आपको 5 पेन देना है, एक बच्चों का समूह है जिसको आपको 5 पेन देना है, वहां पर आपके पास केवल क्वांटिटी में 5 पेन है आपके पास, और वो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो अब वहां पर होगा क्या कि मान लिया कि आपने बच्चों को बुलाया और बच्चों की संख्या हो गई 6, तो आपके पास क्या होगा कि 1 क्रम कम पड़ जाएगा उसको देने के लिए। तो वहां पर क्या आपने एक्सपेक्ट किया था ये कि 5 बच्चे आएंगे तो ये 5 कलम क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे, सभी को बराबर मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर क्या होगा कि बच्चे की संख्या बढ़ गई, तो बच्चे की संख्या बढ़ गई तो आपके पास क्वांटिटी कम पड़ गई, और जब क्वांटिटी कम पड़ गई तो वही हमारा क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, और 1.5 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। यानी इसका मतलब यही है कि अगर कंपाउंड आयनों में टूट रहा है ना, तो वहां पर क्या होगा, हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। मान लिया हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 वायुमंडल वाष्पदाब में कमी आएगी, लेकिन नमक तो टूट करके डबल हो गया, और जब डबल हो गया तो हमें जो वाष्पदाब में कमी है वो 1 ATM नहीं मिलेगी, वो 1 ATM से कुछ ज्यादा मिल जाए, 1.5 मिल जाए, 1.25 मिल जाए, 15 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन वो 1 नहीं मिलेगा, 1 से ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि वो आयनों में क्या हुआ, टूट गया, ठीक। तो ये हो गया कि मान लिया कोई अवघट्य टूट रहा हो, ठीक। अब ऐसा भी तो हो सकता कि कोई अवघट्य जुड़ रहा हो, तो अगर जुड़ रहा होगा तो वहां पर 1.5 फैक्टर क्या हो जाएगा, वहां पर 1.5 फैक्टर आपका कम आएगा, यानी जितना आपने सोचा है उससे उसकी वैल्यू कम आएगी। वही जैसे एग्जांपल, जैसे 5 पेन आपके पास थे, है ना, तो मान लिया कि 5 बच्चे जैसे आपके पास आए, अब वहां पर क्या कि एक घर के 2 बच्चे हैं, मान लिया एक ही घर के हैं 2 बच्चे, तो उन्होंने कहा कि हम 1 ही कलम से काम चला लेंगे, तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि 1 कलम एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आपने एक्सपेक्ट जो किया था आपको उससे क्या हुआ, ज्यादा बच गया,
है ना। तो इस प्रकार से ये अनुसंख्यक गुणधर्म आपका वन टाफ फैक्टर के अनुसार बदलता है। तो परिभाषा जो इसकी यहां पर लिखी हुई है कि जिसके कारण उसका अनुसंख्यक गुणधर्म परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। हालांकि अभी मैं बहुत और सारे एग्जाम्पल लूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वन टाफ फैक्टर, कोई दिक्कत ही नहीं रही होगी, है ना। तो यहां से डिफिनेशन आपकी मेन इंपॉर्टेंट है कि अतः किसी अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है, तथा सैद्धांतिक मान जो किताबों में लिखा हुआ है ना, लिख दिया वैज्ञानिकों ने कि ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक, के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वन टाफ गुणांक कहते हैं, और इसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से वन टाफ फैक्टर और क्लियर करता हूं। तो चलिए, अब मैंने जो आपको डिफिनेशन बताई थी, जरा उसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए, फिर एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं इसको। तो देखिए, आई बराबर वन टाफ गुणांक को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यही बनेगा कि प्रायोगिक, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रेक्षित, मैंने आपको बताया भी था कि प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक, और नीचे क्या लिखा हुआ है, सैद्धांतिक या अपेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को वन टाफ गुणांक कहते हैं। अगर परिभाषा वो नहीं याद रखना है तो यहीं से याद कर लीजिए, है ना। क्या बनेगी डिफिनेशन, कि प्रायोगिक अनुसंख्यक गुणधर्म या प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म, प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म तथा सैद्धांतिक या अपेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म के अनुपात को वन टाफ गुणांक स्मॉल आई कहते हैं, ठीक। ये परिभाषा आपकी यहां से भी बन जाएगी, इस फॉर्मूले से भी इसको लिख सकते हैं। अब जरा इसको समझते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि वृत्त अपघट्य, वृत्त अपघट्य क्या होगा, वृत्त अपघट्य होता है, दो प्रकार का वृत्त अपघट्य भी होता है, एक जो आयनों में टूटता है वियोजित होता है, और एक जो होता है संयोजित होता है यानी जुड़ जाता है। तो चलिए मैं दोनों का एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं सोडियम क्लोराइड, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, वरना और कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के क्लियर की जा सकती है बात। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल यहां पर आपका लिखा हुआ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड आपको पता है कि डिसोसिएट होता है, टूटता है, सोडियम क्लोराइड कभी संयोजित नहीं होता, ये इसको पानी में मिलाएंगे ये पानी में टूट जाएगा, कैसे, एनए प्लस में, देखिए एनए प्लस में टूटेगा और सीएल माइनस में टूटेगा, ये दो आयन मिलेंगे सोडियम आयन क्लोराइड आयन। तो यहां पर देखिए ये कितना है, एक मोल है, है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं कितना है, एक मोल है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक, ये वियोजन का केस ले रहे हैं। तो यहां पर ये एक मोल है और ये कितना है, ये एक मोल है, और इधर ये भी एक मोल है, ठीक। तो हो गया गड़बड़ यहां पर, कि आपने सोचा था कि एक मोल सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो हमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन एक मोल ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ कि ये विलयन के अंदर जाने के बाद टूट गया, यानी पानी के अंदर जाने के बाद, यहां पर H2O भी लिख सकते हैं ऊपर, तो Na+ और Cl- में टूट गया, तो एक आयन से यानी एक कंपाउंड से दो आयन मिल रहे हैं, तो बदल जाएगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, जरा देखे यहां पर अनुसंख्यक गुणधर्म आई बराबर। अब अनुसंख्यक गुणधर्म ये कितना है, देखिए क्या बनेगा अनुसंख्यक गुणधर्म का, अब ये देखिए ये वियोजन का केस है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, क्योंकि ये वियोजन का केस है, तो यहां पर NaCl का वियोजन हुआ है, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी, जब टूट गया तो टूटने के बाद संख्या कितनी हुई, देखिए एक Na है और एक Cl है, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, दो, देखिए एक ये है और एक ये है, तो ये कितना हो जाएगा, दो, ये होगा। उसके बाद वियोजन के पश्चात कणों की संख्या हो गई, अब वियोजन से पहले कणों की संख्या देख लीजिए कितनी है, तो वियोजन से पहले आपका जो NaCl है वो क्वांटिटी में कितना है, एक, यानी ये तो वन ही है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, वन। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, यानी I की वैल्यू हो जाएगी टू, ये देखिए हो गया। यानी हमेशा ये याद रखना है कि जो I की वैल्यू है वो वियोजित होने वाले वृत्त अपघट्य के लिए कितनी होती है, हमेशा वन से ज्यादा होती है। क्यों वन से ज्यादा होती है, अब जरा देख लीजिए ना, NaCl क्या है, देखिए NaCl क्वांटिटी में कितना है, एक ही मोल है, इसके सामने कोई संख्या भी तो नहीं लगी है, लेकिन फिर भी देखिए क्या हुआ, इसमें एक Na मिला एक Cl मिला, कितने आयन मिल गए, दो। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो वियोजित होने वाला वृत्त अपघट्य है, आयनों में टूटने वाला,
है ना, आयनित होने वाला, उसके लिए जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा वन से ज्यादा होती है। यहां पर देख रहे हैं इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आई है, टू। तो इसके लिए ये भी लिखा जा सकता है ओ आर आर, यानी अथवा आई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी, यानी इसके लिए वन टहाफ गुणांक का मान क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। सबसे सरल कंपाउंड है NaCl, इसके बाद तो बाकी खेल शुरू होता है MgCl2, AlCl3, FeSO4, जो भी आपको दिया जाए कंपाउंड, है ना, उसके बाद तो मान बढ़ता ही जाएगा। ठीक, तो ये एक ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेकेंडरी केस दूसरा हम ले लेते हैं, कोई संयोजित होने वाला, ये तो वियोजन का केस ले लिया, लेकिन मैंने ये भी तो डिफिनेशन में लिखा था कि संयोजित होने वाला। अब कोई एक संयोजित होने वाला एग्जांपल लेते, जैसे यहां पर देखिए मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल 2CH3COOH, ये ले लिया, यानी ये है आपका एसिटिक एसिड। ये क्या करता है, इसको जब पानी में मिलाते हैं तो ये जुड़ जाता है, संयोजित हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो अगर ये ऐड हो जाएगा तो इसके मोल देखिए कितने हैं, इसके मोल हैं दो, यानी आपने दो मोल मिलाया है। देखिए यहां पर इसके मोल कितने हैं, ये मोल क्या होता है, तो मोल जो आगे संख्या लिखी होती है, यहां पर इसके दो नाम है, इसको मोल भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमिति गुणांक। ठीक, तो यहां पर संख्या को आप मोल भी कह सकते हैं या रस समीति गुणांक भी कह सकते हैं। इसको दो होती है, इसकी वैल्यू यहां पर दो लिखा तो इसकी वैल्यू दो हो जाएगी। तो यहां पर इसके कितने मोल हैं, इसके मोल हैं दो, यानी यहां से है ये दो मोल। ठीक, अब इस पानी पानी के अंदर जब इसको मिलाया एसिटिक एसिड को, है ना, एसिटिक अम्ल सिरके में पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया दो मोल। ठीक, अब क्या होगा, आगे चल करके पानी के अंदर ये कंबाइंड हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा एक मोल। देखिए डाइमर बना देगा कैसे, CH3COOH का होल ट्वाइज, ये देखें। तो अब यहां पर क्या हो गया, देखिए इधर कितना मोल था, दो, और यहां पर कोई संख्या नहीं लगी तो उसे क्या मानते हैं, वन। जैसे मैंने ऊपर वाले में एक मोल से लिखा है, देखिए यहां पर कोई संख्या नहीं, जहां पर कोई संख्या नहीं वहां पर वन मान लेते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है आपका एसिटिक एसिड, यहां कोई संख्या नहीं, इस संख्या को काउंटर करना नहीं है। ठीक, अब ये क्या हो गया, संयोजित हो गया, जुड़ गया, ऐड हो गया, तो यहां पर मोल कितना हो गया, एक मोल। ये देखिए एक मोल हो गया। अब अगर देखिए यहां पर कितना मोल, दो मोल और एक मोल, तो आपका गेस ऐसे लग गया होगा कि इसका मान जो होगा वो वन से कम आएगा, है ना। अगर लगाना चाहे तो देख भी सकते हैं कि आई बराबर, अब ये कौन सा केस है, संयोजन का केस है। तो अगर संयोजन का केस है तब फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, यानी संयोजन के बाद कणों की संख्या, अगर संयोजन हुआ है तो संयोजन के बाद कणों की संख्या कहां मिलेगी, प्रोडक्ट में, उत्पाद में। तो यहां पर संयोजन लिखा है तो यहां पर कणों की संख्या कितनी है, यहां पर तो एक ही है। ठीक, तो ऊपर हो जाएगा वन। संयोजन से पहले कणों की संख्या जब आपने पानी में नहीं मिलाया था उससे पहले कितने मोल थे, जरा देखिए इसके दो मोल थे, तो वन के नीचे क्या हो जाएगा, टू। जरा वन को टू से डिवाइड करके देखिए आई का मान कितना आ जाएगा, 0.5। तो यहां से जो आई की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी वो 0.5 आ जाएगी। अब 0.5 क्या वन से छोटा नहीं है, तो किसी भी संयोजित होने वाली विद्युत घट के लिए जो वन टहाफ गुणांक आई का मान है वो क्या होगा, हमेशा वन से कम होगा। ठीक, तो वियोजित वाले के लिए वन से ज्यादा होगा, संयोजित होने वाले के लिए वन से कम होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे और भी एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां पर देखिए अब लिखा हुआ है ये फार्मूला, ये फार्मूला क्यों लिखा है, ये फार्मूला इसलिए लिखा है कि अगर वन टहाफ फैक्टर से संबंधित कोई सवाल आपके एग्जाम में आता है, है ना, मान लिया अगर इसे बोर्ड में नहीं आता तो किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जेई नीट वगैरह में आ सकता है ना, तो वहां से मान लिया कि कोई सवाल लगाने के लिए अगर आपको आ जाता है तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ कि संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ऊपर आपको क्या रखना है, संयोजन या वियोजन। देखिए कंपाउंड जो विरुद्ध घट है, या तो उसमें संयोजन होगा या तो उसमें वियोजन होगा। भाई जो संयोजन वियोजन नहीं दिखाएगा उसके लिए तो आई की वैल्यू वन होगी, उसका भी मैं भी करवाऊंगा, उसको कहेंगे विरुद्ध अनवघट्य, इसको हम कहेंगे विरुद्ध अपघट्य, जो आयनों में टूटता है। ठीक, तो संयोजन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात का मतलब क्या है, बाद में, तो बाद में हमें कणों की संख्या रखना होता है ऊपर। ठीक, नीचे देखिए संयोजन या वियोजन के पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, कणों की संख्या, तो वियोजन से पहले या संयोजन से पहले कणों की संख्या कहां रखनी होती है, नीचे। यही फॉर्मूला लगा करके तो मैंने अभी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाया है।
चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, तो वहां पर मैंने आपको सोडियम क्लोराइड लिया था। यहां पहले हम ले लेते हैं कोई वियोजन का एग्जाम्पल, पहले वियोजन कर लेते फिर कोई संयोजन का ले लेंगे, ठीक। चलिए तो इस बार मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है कोई एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, कोई भी ले सकते, कोई भी साल्ट, कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने ले लिया पहला जो आपका है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3, ठीक। तो चलिए ले लिया है AlCl3, ये एक विद्युत अपघट्य है, इसको पानी में मिलाने पर घोलने पर क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूट जाएगा तो चलिए मिलाते हैं इसको पानी के अंदर, वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं। इस एरो के ऊपर लिखे होने का मतलब है कि एल्युमिनियम क्लोराइड को पानी के अंदर मिलाया जाएगा। ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटता है एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, तीन प्लस एल्युमिनियम के ऊपर लगेगा, और उसके बाद क्लोरीन कितना है, तीन, तो तीन क्लोरीन, यानी क्लोरीन पर एक माइनस लगता है, संख्या कितनी होगी, तीन, जितना प्लस उतना ही माइनस बराबर होना चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, तीन सीएल माइनस, ठीक। तो आपने क्या देखा, यहां पर देखा ये कि जो एल्युमिनियम था AlCl3 इसका मोल कितना है, जरा इधर देखिए इसका मोल कितना है, एक मोल है। तो मोल तो मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख देता हूं, वरना वहां पर लिखा हुआ कणों की संख्या, तो कण तो मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर एक है, लेकिन और समझने के लिए हम मोल भी यहां पर लिख देते हैं। इधर देखिए ये एक मोल है, टूटने के बाद इसका एक मोल, जिसके सामने कोई संख्या नहीं है उसका एक मोल, तो एक मोल एल्युमिनियम बना। ये क्लोराइड कितना बना, तीन मोल, सामने देख रहे हैं संख्या लिखी है यहां पर तीन, तो ये कितना है, तीन मोल, यानी तीन मोल आपका क्या है, क्लोराइड आयन बना है, ठीक। तो देखे सामने फॉर्मूले को जरा लगाइए, आई वाले फॉर्मूले के ऊपर जो लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए अब यहां पर क्या है, संयोजन तो हुआ नहीं, तो देखिए ऑब्लिक के सिंबल का मतलब क्या है, ये सिंबल क्या दर्शाता है, ऑब्लिक वाला जो लगा है यह तो संयोजन होगा यह तो वियोजन होगा, तो यहां जो एग्जांपल है वो किसका है, वियोजन का, तो हमें फॉर्मूले में क्या लिखना होगा, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। अगर संयोजन हो रहा होता तो हम लिखते संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, अगर संयोजन हो रहा तो संयोजन यूज करेंगे दोनों जगह ऊपर नीचे, ठीक, अगर वियोजन हो रहा तो दोनों जगह ऊपर नीचे वियोजन शब्द यूज करेंगे। अब ये दोनों ऑब्लिक करके इसका मतलब क्या, जो दिया गया होगा उसका फॉर्मूला में यूज करना है। तो यहां एग्जांपल हमें दिया गया वियोजन का, तो हम ऊपर लिख लेंगे वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ठीक, नीचे लिख लेंगे वियोजन से पहले कणों की संख्या, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला भी आपको लिख करके दिखा देते हैं कि वियोजन, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, ये कणों की संख्या लिखा हुआ है, ठीक, और नीचे क्या होगा, वियोजन से पहले कणों की संख्या, यानी वियोजन से पहले कणों की संख्या, ये हो जाएगा। अब देखिए वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात मतलब वियोजन के बाद, तो इसका वियोजन देखिए यहां हुआ है इस साइड में, तो वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी है, तीन, देखिए इसके हैं एक मोल इसका है, तो टोटल संख्या कितनी है, चार। तो जरा देख लीजिए आई बराबर क्या बनेगा आपका, तो तीन और वन, यानी वन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, वियोजन के पश्चात वन इसका है, थ्री इसका है, हो जाएगा ना, तो एक और तीन कितना होगा, चार, और वियोजन से पहले, नीचे देखिए क्या है, वियोजन से पहले या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक। तो वियोजन के पहले, जब वियोजन नहीं हुआ था उससे पहले इस साइड में आ जाइए, यहां कितना है, एक मोल, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ऊपर चार है और नीचे आपका एक है, तो आप सीधे सीधे देख रहे होंगे आई की वैल्यू कितनी आ रही, आई की वैल्यू जो आपकी सीधे सीधे मिलेगी आपको कितना मिलेगी, फोर। फिर देखिए आया आई की वैल्यू चार, तो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि वियोजन के लिए हमेशा जो आई की वैल्यू होगी वो वन से ज्यादा होती है, वन से बड़ी होती है। एग्जाम्पल ये देख लिया है ना। अब इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल वियोजन का ले लीजिए, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है ना, अमोनियम फॉस्फेट, इस तरीके को कोई कंपाउंड आप ले लीजिए, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, कोई भी ले लीजिए है ना, सब में आपको आई की वैल्यू वन से ज्यादा मिलेगी। तो ये हो गया वियोजित होने वाला विद्युत अपघट्य, ठीक, वियोजित होने वाला विद्युत अपघट्य हो गया। इसका एक जनरल एग्जांपल जरा लेते, कोई घरेलू एग्जांपल समझने वाला, जैसे मान लिया आपके घर पे कोई कार्यक्रम था है ना, छोटा मोटा कोई बर्थडे वगैरह था, कोई कार्यक्रम था, कुछ भी था, मान लिया आपने क्या किया कि वहां पर आपने 10 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है ना, 10 लोगों के खाने की व्यवस्था की। अब उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि आपने 10 लोगों के लिए व्यवस्था की थी, बाई चांस मान लिया उन लोगों के साथ बच्चे भी आ गए,
थोड़ा ज्यादा से लोग हो गए, बच्चे आने की वजह से संख्या 10 से ज्यादा हो गई। अब क्या होगा कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमने 10 लोगों का भोजन बनाया है, तो वहां पर आपने 10 लोगों के हिसाब से मटेरियल को तैयार करवाया था, संख्या 10 से ज्यादा हो गई तो आपके पास मटेरियल क्या होगा, कम पड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहां अनुसंख्य गुणधर्म का मान क्या हो गया, कम हो गया, है कि नहीं। तो ये केस कौन था, ये केस था वियोजन का। आपने जितना सोचा था उतने लोग नहीं आए, उससे ज्यादा लोग आ गए, थोड़ा बच्चे वगैरह आ गए उनके साथ, तो संख्या वहां पर 10 के ऊपर निकल गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई, इस तरीके से बढ़ गई। तो अगर इतना बढ़ गया तो आपके पास क्या होगा कि अनुसंख्य गुणधर्म की वैल्यू कम हो जाएगी, अनुसंख्य गुणधर्म आपको कम मिलेगा वहां पर, है ना। तो उसका मान तो वहां पर कम होगा, लेकिन जो आई की वैल्यू है इसके लिए हमेशा वो 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। आई क्या है, आई ये मत समझिएगा कि आई आपका अनुसंख्य गुणधर्म है, मैं अनुसंख्य गुणधर्म की बात कर रहा हूं, ये तो वांट हाफ गुणांक है, ये तो ये बताता है कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए। तो अगर लोग आए, संख्या ज्यादा हो गई, तो इसका मान ज्यादा हो गया, ठीक। तो ये वियोजन का केस बन गया। अभी वही लोग कम हो जाते हैं तो इसका मान कम हो जाता। आई तो केवल आपको संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने लोग बढ़े कितने लोग घटे, ये तो वांट हाफ फैक्टर आपको डिसाइड कर रहा है, बता रहा है यहां से। बाकी अनुसंख्य गुणधर्म जो आपके 4 होती हैं, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब, वास दाब का आवेशिक अवनमन, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, जैसे आपका खाना कम पड़ गया या ज्यादा हो गया था, ठीक। तो ये हो गया आपका वियोजन का केस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको संयोजन का केस समझाता हूं, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं संयोजन के केस की। मैंने वियोजन आपको समझा दिया, अब संयोजन को देख लेते हैं जरा। संयोजन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, फार्मूला मैंने नहीं इरेज किया है, मिटाला नहीं, सामने लिखा हुआ है। तो चलिए संयोजन का केस ले लेते हैं। तो संयोजन में मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल लिया था एस्टिक एसिड, यहां कोई बदल लेते हैं, हम ले लेते हैं बेंजोइक एसिड, चलिए उसको ले लेते हैं। तो ये बेंजोइक एसिड है 2C6H5COOH, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे, ये क्या है, संयोजन का केस है। एसिड जो होते हैं वो आपके संयोजन को दिखाते हैं, तो बेंजोइक एसिड भी क्या होगा, संयोजन को दिखाएगा। तो वाटर के अंदर आप इसको मिलाएंगे H2O के अंदर, है ना, वाटर के अंदर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, संयोजित हो जाएगा। तो संयोजित होने के बाद इसके 2 मॉलिक्यूल से बन जाएगा आपका C6H5COOH टू द वोल्टराइज, ये बन जाएगा उसी प्रकार से। तो यहां देखिए इसका मोल कितना है, तो जो संख्या आगे लगी है वही इसका मोल, इसके मोल कितने हैं या इसके अणुओं की संख्या कितनी है, 2, इसको अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसका कितना मोल है, 2 मोल कह लीजिए या 2 अणु कह लीजिए, ठीक। यहां पर यहां वाली संख्या देखना है, यहां वाली संख्या नहीं लेना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। यहां कोई संख्या नहीं तो 1, तो एक कण या एक मोल, ठीक। तो ये केस कौन सा है, संयोजन का केस है। अब लिख भी सकते हैं, अगर ऊपर नीचे कहीं लिखना हो तो ये क्या है, संयोजन है, यानी इसका क्या हो रहा है, संयोजन। तो अब आप आई का फॉर्मूला लगाइए संयोजन के लिए। तो अगर आई का फॉर्मूला लगाएंगे आप संयोजन के लिए, तो आई बराबर क्या होगा, अब आपको लिखना होगा संयोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन संयोजन के पूर्व कणों की संख्या, फिर फॉर्मूला आपका इसी तरीके से हो जाएगा, संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, और यहां लिखेंगे संयोजन के पूर्व कणों की संख्या, ये हो जाएगा। तो अब यहां पर संयोजन हो रहा था, तो मैंने फॉर्मूले में संयोजन शब्द को यूज कर लिया, जब वियोजन होगा तो वियोजन शब्द यूज कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो अब यहां पर देखिए, संयोजन के पश्चात, संयोजन जब हो गया उसके बाद, संयोजन कहां हुआ, पानी के अंदर, तो पानी के बाद यहां मिलेगा उत्पाद में आपको संयोजन मिलेगा देखने को, ठीक। तो यहां पर संयोजन हुआ तो कितने अणु है, देखिए कितना मोल है, एक मोल या एक अणु या एक कण, ठीक। तो ऊपर कितना है, जो ये हो जाएगा आपका 1 है, ठीक। संयोजन से पूर्व कणों की संख्या, तो संयोजन से पूर्व कणों की संख्या कितनी है, 2 है, है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, यानी यहां भी आपको आई की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.5,
ये मिल गई, तो यहां पर आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक से कम आएगी। तो मान लिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि संयोजित वृद्धि घट के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, वन से ज्यादा या वन से कम, वियोजित वृद्धि घट के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है ना। तो ये संयोजित और वियोजित का एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पर इसका हो रहा था संयोजन। अब मैं वही एग्जाम्पल जनरल आपको बता देता हूं। जैसे मान लिया कि आपने क्या किया, आपने 10 लोगों का खाना बनवाया, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम था, बर्थडे वगैरह कुछ भी रहा होगा, ठीक, आपने 10 लोगों का खाना बनवाया। अब 10 लोगों में से क्या हुआ कि 5 लोग उसमें से नहीं आ पाए, किसी कारणवश कोई और उनको काम पड़ गया होगा, कुछ भी रहा हो, तो 5 लोग उसमें से नहीं आ पाए। अब जब 5 लोग उसमें से नहीं आ पाए तो 5 लोगों की जो खाद्य सामग्री थी, जो मटेरियल था, वो क्या होगा, बच जाएगा आपके पास। तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आपका अणुसंघ गुणधर्म बढ़ गया। यहां पर अणुसंघ गुणधर्म कौन है, तो वो जो आपने खाना बनवाया वो क्या है, वो है अणुसंघ गुणधर्म। एक समझने के लिए केवल कंसिडर कर लीजिए कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है, अभी मैं इसके एग्जांपल उसके भी बताऊंगा, ठीक। तो वहां पर क्या होगा कि 5 लोगों का जो भोजन था वो आपके पास ज्यादा हो गया, बढ़ गया, तो वहां अणुसंघ गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आई आई हमें यह दिखा रहा है कि कितने लोग नहीं आए, है ना। अब 5 लोग नहीं आए तो आई ने हमें इंडिकेट कर दिया, क्या इंडिकेट कर दिया, कि लोगों की संख्या में कमी आ गई, है ना। यानी अणुसंघ गुणधर्म वो जो 1/2 फैक्टर है उसकी वैल्यू ने क्या निर्धारित कर दिया कि लोग कम हो गए, है ना। आई की वैल्यू हमें ये डिसाइड कर रही कि लोग कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं। बाकी अणुसंघ गुणधर्म बढ़ेगा या घटेगा वो तो आपकी सामग्री निर्धारित करेगी। खाना बच गया तो लोग क्या हो गए, कम हो गए। खाना कम पड़ गया तो लोग क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ये आपका अणुसंघ गुणधर्म बताएगा, ठीक। तो ये आपके संयोजन वियोजन का केस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके इसके क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखिए, मैंने डाटा आपको बताया है वो यहां पर डाटा मैंने लिख दिया है आपके लिए कि वियोजित वृद्ध अपघट्य के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है, इसको याद रखेंगे। सेकंड आपका संयोजित वृद्ध अपघट्य के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, ठीक। उसके बाद वृद्ध अनपघट्य, मैंने आपको बताया था वृद्ध अपघट्य दो प्रकार का होता है, या तो संयोजित होगा या तो वियोजित होगा, तो उनके लिए तो वैल्यू यहां लिखी हुई। अब विद्युत अनपघट्य, विद्युत अनपघट्य कौन होता है, तो जो आयनों में नहीं टूटता है, है ना। आयनों में कौन नहीं टूटेगा, या इसी को हम कहते हैं आवासशील विलय, है ना। तो जैसे यहां पर यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब आपके क्या होते हैं, विद्युत अनपघट्य होते हैं। ये आयनों में नहीं टूटते, इनमें कोई आयन नहीं होगा। जैसे आपका यूरिया है NH2CO, ये होता फार्मूला, आप इसको आयनों में तोड़िए, पानी में मिलाइए, आयनों में नहीं टूटेगा, है ना। घुल तो जाएगा, घुलना और आयनों में टूटना दूसरी बात है, है ना। यहां पर क्या होगा कि इसमें कोई भी आयन आपको नहीं मिलेगा, तो यूरिया कभी भी आयनिक नहीं होगा, ना आपका ग्लूकोज ना आपका सुक्रोज। तो ये जो विरुद्ध अनपघट्य होते हैं इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। यानी ये वे लोग हैं कि जैसे मान लिया कि आपने 10 लोगों को बुलाया था तो 10 लोग आए, तो जब 10 के 10 लोग आए तो आपकी खाद्य सामग्री ना तो बढ़ी ना तो घटी, ना तो कम पड़ा ना तो ज्यादा हुआ, वहां पर क्या होगा कि पूरा यूज कर लिया गया, ठीक। तो यहां पर जो आई की वैल्यू होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे हो जाएंगे वृद्ध अनपघट्य के लिए आई की वैल्यू इतनी मिल जाएगी। अब उसके लिए क्या होगा, अब देखिये मान लिया कभी जो सवाल आता था आपको, तो सवाल दिया जाता था उसमें यूरिया ग्लूकोज शक्कर, इन तीनों का अगर नाम ले लिया गया गलती से, तो वहां पर जो आई की वैल्यू होती थी वो 1 रखना होता था। क्यों, क्योंकि ये वृद्ध अनपघट्य हैं, ये आयनों में नहीं टूटते हैं, इनको जितना मिलाओगे ये उतना ही रहेंगे क्वांटिटी में, ठीक। अब क्या होगा, जब आपको सवाल में नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, कोई भी कंपाउंड दिया जाए जो आयनिक होगा, या एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड, है ना, ये लोग क्या है, संयोजित होने वाले। और एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब क्या है, वियोजित होने वाले, है ना। तो वहां पर आपको आई की वैल्यू ध्यान करना होगा, उसको चेक करना होगा, उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी वियोजन के केस में, संयोजन के केस में आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक। तो वहां पर क्या करना होगा कि जब सवाल में आपको दिया जाता है तो हम उन फार्मूलों में भी चेंज करेंगे, जो आपके 4 अणुसंघ गुणधर्म थे
उनमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा? उनमें चेंज आपका ये होगा, जैसे आपने पहला अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ा था कि पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, और फॉर्मूला आपने पढ़ा था एक्स के लिए। ये क्या था? पहला अणुसंघ के गुणधर्म था, वास्तव दाब का अपेक्षिक अवनमन। यहां पर क्या करना होगा आपको? आई से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मान लिया विद्युत अनुपघट्य ना दिया जाए आपको, विद्युत अपघट्य दे दिया जाए, किसी सवाल में सोडियम क्लोराइड कह के कह दे कि वास्तव दाब में अवनमन ज्ञात कीजिए, तब तो वहां दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो आयनों में टूटता है, तो आई की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, वहां पर हमें जोड़नी पड़ेगी। इसलिए फार्मूले में हमें आई भी बढ़ाना होगा, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाला क्या था? क्वथनांक में उन्नयन। तो सर ये क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम। यहां पर क्या होगा कि मान लिया आई ना लिखा होता तो के बी इंटू एम, ये तो फॉर्मूला था इसका, लेकिन मान लिया कोई विद्युत अपघट्य आपको दे दिया जाए जो आयनों में टूटता हो, तो उसके लिए आई की वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, तो हमें इस समीकरण में क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। संशोधन करने के लिए क्या है? इसमें आई को भी ऐड करो, तो यहां पर इसमें आई भी आ जाएगा। तो ये हो गया क्वथनांक में उन्नयन। इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा यहां पर डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? तो के एफ इंटू स्मॉल एम, ये फॉर्मूला होता था। अब मान लिया विद्युत अनुपघट्य है तो आई की वैल्यू तो वन, लेकिन अगर विद्युत अपघट्य आपको दे दिया गया जो आयनों में टूटता हो या संयोजित होता हो या वियोजित होता हो, तो वहां तो आई की वैल्यू चेंज होगी, उसे निकालना पड़ेगा, तो यहां भी हमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां ये बन जाएगा। उसके बाद चौथा जो आपका था परासरण दाब। परासरण दाब क्या था? परासरण दाब पाई बराबर सी आर टी, या सी की जगह हो सकता है कि एम लिखा हुआ हो। तो ये समीकरण किसके लिए है? विद्युत अनुपघट्य के लिए, क्योंकि यहां पर आई नहीं रखेंगे तभी चल जाएगा, उसकी वैल्यू वन, और वन से जो भी मल्टीप्लाई गुणा भाग करेंगे वो तो वही आएगा। लेकिन यहां पर होगा क्या? जब आपको विद्युत अनुपघट्य दे दिया जाएगा आयनों में टूटने वाला, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? आई को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना होगा? इसमें भी आई से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहां पर भी आपको आई लाना होगा। ये तो पाई बराबर आई सी आर टी, सी की जगह कहीं कहीं कैपिटल एम लिखा होगा, तो वो मोलरता है सांद्रता की कहीं। ठीक, तो पाई बराबर आई सी आर टी बन जाएगा। तो ये हो गई वन हाफ समीकरण। अब आप क्या करिए, इनको हम कहते हैं कि विलयन की वन हाफ समीकरण। जब आपको विद्युत अपघट्य दिया गया होता है तब हम इनका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आई भी निकालना होगा आपको। विद्युत अनुपघट्य में तो आई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन इसमें तो जरूरत पड़ेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जनरल एग्जांपल से आपसे डिस्कशन करता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये है ना, चलिए मैं तीन पात्र यहां पर ले लिए हैं और आपको समझाने के कि वन टाफ ब्लॉन्ग क्या होता है। तो यहां पर देखिए तीन पात्र मैंने ले लिए और तीनों में पानी है। तो पहले वाले में क्या है? पहले वाले में आपकी चीनी है। चीनी क्या होता है? विद्युत अनुपघट्य, अनुपघट्य जो आयनों में नहीं टूटता है, है ना। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो यहां पर क्या होगा, जैसे पानी में आपने 20 मोल चीनी मिला दिया है, या मोल ना समझ पाए तो किलोग्राम समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि 20 मोल चीनी, तो चीनी क्या है? आयनों में नहीं टूटती है। जितनी क्वांटिटी आप मिलाएंगे पानी के अंदर उतनी ही मात्रा रहेगी, चीनी के कणों की संख्या उतनी ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, मान लिया इस पानी को आपको क्या करना है? उबालना है वाटर को, यानी इस जल को उबालना है। तो इस पानी को मान लिया अगर उबालना है आपको, बॉयल करना है, यहां पर एक अणुसंघ गुणधर्म हम ले लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्या कहते हैं? क्वथनांक या क्वथनांक बिंदु, है ना। तो उसी की स्टडी हम यहां पर करते, एक अणुसंघ गुणधर्म में आपको ये लेकर के समझा देता हूं। तो क्वथनांक में उन्नयन की स्टडी करना है, तो क्वथनांक में उन्नयन मान लिया इसमें 20 मोल चीनी घुली है पानी के अंदर, तो यहां पर क्या होगा? चीनी घुली है 20 मोल आपकी, तो ये आयनों में तो नहीं टूटेगी। तो मान लिया कि यहां पर जो हमारा पानी है वो बॉयल करने लगेगा, कितने डिग्री पर? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा। यानी यहां हमने ये मान लिया कि जो इसका क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कब? जब यहां पर हमारा विद्युत अनुपघट्य है जो आयनों में नहीं टूटता है, है ना। तो जो आयनों में नहीं टूटता उसके लिए यहां पर हमने इस विलयन के लिए क्वथनांक मान लिया, पानी के उबलने का जो टेम्परेचर मान लिया वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये तो फिक्स हो गया विद्युत अनुपघट्य, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगेगा जैसे आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक, चलिए सेकंड देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि 20 मोल नमक NaCl आ गया, वही NaCl वियोजन का केस। अब क्या होगा, जैसे आपने 20 मोल NaCl मिलाया है
तो आपको पता है कि एक मोल NaCl से दो मोल Na, यानी यहां पर देखिए जैसे NaCl है आपका, NaCl क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, तो एक मोल NaCl से दो मोल आपके बन जाते हैं ये, एक मोल सोडियम का और एक मोल क्लोरीन का, यानी इसके एक कण से दो कण बन रहे हैं। तो आपने यहां 20 मोल मिलाया है, पानी के अंदर NaCl कितना हो जाएगा, 40 मोल हो जाएगा ना, जब एक से दो हो रहा है, इसके एक अणु से इसके दो अणु बन रहे हैं, दो आयन बन रहे हैं, दो कण बन रहे हैं, तो यहां आपने 20 मोल मिलाया है तो NaCl इसके अंदर कितना हो जाएगा, 40 मोल हो जाएगा, 20 आपका और ये हो गया 20, यानी 20 मोल Na प्लस के बनेंगे और 20 मोल Cl माइनस के। जब आपने इसको 20 मोल इसके अंदर मिलाया तो ये आयनों में टूट जाएगा और आयनों में टूटने के बाद 20 मोल आपके Na प्लस के बनेंगे सोडियम आयन के और 20 मोल बनेंगे आपके क्लोराइड आयन के। तो विलयन में जो मोलों की संख्या टोटल हो गई वो कितनी हो गई, 40, यानी टोटल कणों की संख्या कितनी आपको मिल गई, 40 मिल गई, यानी 40 कण हो गए। आपने 20 मिलाए थे और कणों की संख्या कितनी हो गई, 40। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, वियोजन हो गया ना NaCl का। अब यहां पर क्या होगा, अब जब इसके कणों की संख्या बढ़ गई, जैसे यहां वाटर था, कणों की संख्या कितनी हो गई, 40, तो यहां पर देखें नॉर्मल था आपका 20 मोल, तो 20 मोल आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलता था, बॉयल होने लगा था, यहां मोल कितने हो गए, 40, तो अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कभी भी नहीं उबलेगा, है ना, यानी अब इसका जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा, यानी इसको उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा लगाना होगा, और वो टेम्परेचर मान लिया यहां पर 100 था, तो इसके 20 मोल मिलाया है, तो यहां पर लगभग मान लेते हैं, हमें केवल डाटा ले लेते हैं, बढ़ तो जाएगा, 100 के ऊपर जाएगा, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि यहां पर मोलों की संख्या बढ़ गई या कणों की संख्या बढ़ गई, तो ये मान लेते हैं कि हम कितना हो गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब ये वाला जो पानी है जिसमें आपने 20 मोल नमक मिलाया NaCl, ये कितने पर बॉयल होगा, उबलेगा, तो ये उबलेगा आपके 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इतने पर उबलेगा, समझ में आया। तो यहां पर कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, तो देखिए कणों की संख्या बढ़ी तो अणुसंघ गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देखिए क्वथनांक इसका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, अब ये कितने पर उबलेगा, 120 पर, ठीक। तो ये हो गया वियोजन का केस। अब हम संयोजन का केस देख लेते हैं, जो हमारा थर्ड लिखा हुआ है, तो यहां भी आपका पानी है और इसके अंदर आपने संयोजित होने वाला कोई विलय मिला दिया है, आपने वृद्ध अपघट्य मिला दिया, देखिए 20 मोल एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या करता है, तो ये विलयन के अंदर जाने के बाद संयोजित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपने अभी देखा था पीछे कि 2CH3COOH ये विलयन के अंदर जुड़ करके CH3COOH, यानी दो से एक अणु बनता है, तो 20 मोल से कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 10 मोल होगा ना, ये विलयन के अंदर जाने के बाद 20 मोल आपका जो एसिटिक एसिड है वो इसके अंदर जाने के बाद कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। देखिए यहां दो से एक हो रहा है ना, ये संयोजन हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक। तो दो से अगर एक हो रहा तो 20 से कितना हो जाएगा, जुड़ करके आधा हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा, 10, यानी इसके मोल पानी के अंदर कितने हो जाएंगे, तो 10 मोल हो जाएंगे। पानी के अंदर आपका जो एसिटिक एसिड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। तो यहां पर इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 10, यानी 10 मोल। तो अब देखिए यहां पर 20 था पानी के अंदर, ये 10, तो इसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर कम हो गई तो इसकी तुलना में यहां पर क्वथनांक बढ़ गया था, यहां पर अणुओं की संख्या कम हुई, कणों की संख्या कम हुई, तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ये 120 से कम डिग्री पर ही उबलने लगेगा। कितना उबलेगा, तो यहां पर ये 120 पर है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि अगर ये 10 हो गया तो 110 पर उबल जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करने लगेगा, उबलने लगेगा। तो ये क्वथनांक में उन्नयन इसके लिए कितना हो जाएगा, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां तुलना इन दोनों में करिएगा, ये देखो यहां बढ़ गया क्वथनांक, 120 हो गया, और इसकी तुलना में इसका क्वथनांक कितना हो गया, घट गया। तो मैंने यही तो आपको शुरुआत में परिभाषा में बताया था कि कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंघ के गुणधर्म क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कणों की संख्या घटेगी तब भी वहां पर क्या होगा, अणुसंघ के गुणधर्म
परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि कणों की संख्या बढ़ने पर या कणों की संख्या बदलने पर अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहां पर कणों की संख्या बढ़ गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गया, यहां पर कणों की संख्या कम हो गई तो अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन शुद्ध वाले की तुलना में ये दोनों ज्यादा हैं। ठीक, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वांट हाफ गुणांक क्या होता है, मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, है ना, और तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में, यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से आता है तो वो आपसे छूट जाए, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।